हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। इस वीडियो में एक टॉपर है, लाइक उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। लाइक उसका स्कोर जो वो 687 है आउट ऑफ 720, माइंड ब्लोइंग। मैंने इंस्टाग्राम पर उस पर बात की, उसने अपनी स्टोरी शेयर की एंड आई थिंक मुझे इस स्टोरी को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, ताकि जो बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना नीट निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाम है अनिरुद्ध और उसने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 12th के साथ ही नीट का वो क्रैक किया है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लाइक वो पहले से ही मन बना चुके होते हैं कि अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहे कुछ भी हो जाए नीट को क्रैक करना है। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि उसकी जो बातें हैं, उसके जो टू द पॉइंट्स हैं, आपको कुछ चीज़ें अपन भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे वीडियो के बाद। सो वीडियो जो है यहाँ पे है, और अगर आप अपना स्कोर जो है शेयर करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, सो यू कैन ज्वाइन। आप स्टोरी सुनिए, उसके बाद जो मेन हाइलाइट्स हैं उसकी बातों का वो अपन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिरुद्ध फौजदार, आई एम फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। इन नीट 2021 आई हैव स्कोर 687 मार्क्स एंड हैव अचीव्ड 557 ऑल इंडिया रैंक। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस रिलेटेड टू नीट जर्नी दैट मे बी हेल्पफुल टू यू। पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स की, तो मैंने मेनली अपने क्लास के नोट्स, NCERT एंड कोचिंग के स्टडी पैकेजेस से ही पढ़ाई की थी। बायोलॉजी का तो आपको पता ही है, NCERT से ही ऑलमोस्ट 2-3 ईयर से पेपर आ रहा है पूरा। इस बार भी एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन NCERT से ही थे, तो बायो की NCERT को आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए। केमिस्ट्री में फिजिकल की NCERT को आप छोड़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट नीडेड सो मच। एंड फिजिक्स की NCERT भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12th के मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर जैसे सेमीकंडक्टर, ETC, उन चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को NCERT से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जैसे कि जब आप अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो आपको एक अपनी रेगुलर नोटबुक्स के अलावा एक नोटबुक और बनानी है, जिसमें आप एक दिन में जो भी पढ़ो उससे आपको जो भी अच्छी चीज़ें मिली, जैसे आपको ऐसा लगे हम इसको भूल सकते हैं और ये काम आने वाली चीज़ें हैं, तो उनको आप एक पेज पर नोट डाउन कीजिए। यदि आप डेली का एक पेज भी आप उस नोटबुक में फिल करते हैं, तो आपके नीट का एग्ज़ाम आने तक आपकी एक बहुत अच्छी नोटबुक बन के तैयार होगी, जो आप रिविज़न में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप जिस भी बुक से क्वेश्चन करते हो, तो उसमें आपको यदि ऐसा कोई क्वेश्चन लगे कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, एक बार में नहीं होगा, तो उस पर आप टिक लगा के चलिए, जिससे आप अगली बार यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने पड़े, जो कुछ क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे थे उन्हीं को आप दोबारा करें, इससे आपके टाइम की बचत होगी। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो टाइम टेबल सभी अपने हिसाब से रखते हैं, और मेरा तो ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था, बट आपको ऐसा करना चाहिए जैसे रात को सोने से पहले आप एक बार ये अपनी नोटबुक में लिख के सोएंगे कल पूरे दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है, और आप उतना ही टारगेट रखें जिसे आप कंप्लीट कर सकें, इससे आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। आपको टेस्ट रेगुलर देते रहने चाहिए, जैसे आपके कुछ चैप्टर्स के बाद में कोचिंग में तो अपने आप टेस्ट का प्लानर होता ही है, और आपकी टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स हों, आप मेरे अकॉर्डिंग आपको उनको भी एक नोटबुक में लिखते रहना चाहिए कि इस टेस्ट में हमने ये मिस्टेक इस वजह से की थी, तो हम आगे से जैसे वो मिस्टेक हमारी रिपीट नहीं हो। और एक मेन पॉइंट आता है टेस्ट में सिली मिस्टेक्स का, तो आपको सिली मिस्टेक्स पे शुरुआत से ही ध्यान देना है, क्योंकि ये नहीं तो आपको एंड तक आपके नीट के पेपर तक आपको परेशान करेंगे। जैसे मेरे भी इस बार नीट एग्जाम में एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था, तो ऊपर मैच सही किया था लेकिन नीचे वो सही टिक दूसरे पे कर दिया, तो ऐसी मिस्टेक जो आपको आता है फिर भी जो गलती होती है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। पंकज भैया के यूट्यूब वीडियो से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला वीडियो हो चाहे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो हो, इनके सभी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल हैं। NCERT एंड क्लास नोट्स के अलावा यदि एक्स्ट्रा बुक्स की बात करें, तो फिजिक्स के लिए मैंने HC वर्मा सॉल्व की थी, एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैंने N अवस्थी बुक ट्राई की थी। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को लगते हैं
पर्टिकुलरली हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं कि इस टॉपिक में हमें दिक्कत आती है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक पेज पर लिख के चलें, तो जिससे कि आपको जब ऐसा लगे कि हमें रिवाइज करना है तो उसको आप स्पेशली उन टॉपिक्स को अलग से रिवाइज कर सकें। और लास्ट डेज में आपको मॉक टेस्ट वगैरह वो तो देने ही हैं, और आपको अपने नीट एग्जाम का फियर बिल्कुल नहीं रखना है। यदि आप पूरे 2 साल आपने मेहनत की है अच्छे से ईमानदारी से, तो आपको एग्जाम का डर वैसे भी नहीं होगा। और कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको एग्जाम से पहले वाले दिन नींद नहीं आती है, तो मैं बताऊँ आपको कि मैं अपने पूरे जर्नी में सबसे ज़्यादा अच्छी नींद ही मैंने एग्जाम से पहले वाले दिन ली थी, रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक। एंड एग्जाम देने के बाद में जो पेपर अच्छा हुआ तो खुशी, उसकी वजह से अगले दिन जरूर नींद नहीं आई, वो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच पंकज भैया फॉर योर हेल्प एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। आप मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे से अपना एग्जाम दें, एंड आई बिलीव यू विल श्योरली गेट योर मेडिकल कॉलेज। बाय। सो वीडियो आपने कंप्लीट देख ली होगी, उसके जो कुछ स्पेशल पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना जरूरी समझता हूँ और आपके लिए भी जरूरी है। लाइक सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि उसने फिजिक्स की एनसीईआरटी को थोड़ा कम इंपॉर्टेंट बताया। लाइक कुछ बच्चे होते हैं जिनको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। इफ यू विल आस्क अबाउट मी, मैंने एनसीईआरटी फिजिक्स की लास्ट में पढ़ी थी, कुछ चैप्टर्स की, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स की। और उसने भी यही बात बोली कि मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आप जरूर पढ़ें, एटलीस्ट मॉडर्न फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वो जरूर लगाए। मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन लगाए थे, चाहे वो एडिशनल हो, चाहे वो सोल्ड क्वेश्चन हो, चाहे फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, मेरे हिसाब से वो बहुत मस्ट है, राइट? दूसरी, रेगुलर नोटबुक आपको बनानी ही बनानी है, लाइक आपके नोट्स बनाने ही बनाने, बट कुछ एक स्पेशल नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप जितनी आपकी कमियां हैं, जितनी आपको चीजें आपकी नहीं आती, ये एक तरीके से 800 टेक्निक ही है। उसका अल्टरनेट फॉर्म ये है कि आप एक ऐसी नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपनी कमियां लिख सको और उनको टाइम पर रिवाइज कर सको। सो ये आपका स्पेशल पॉइंट दूसरा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थर्ड पॉइंट, सीलिंग मिस्टेक पर काम करो। लाइक उसकी गलती हुई एक मैच ऑफ द फॉलोइंग में, वो गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी सीलिंग मिस्टेक्स को कवर करो। एक ही तरीका, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो दो, अभी जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, सीलिंग मिस्टेक को उतना अवॉइड करने के पूरे चांसेस होते हैं। लाइक ह्यूमन एरर होता है, आप सिली मिस्टेक्स को खत्म नहीं कर सकते, आप सिली मिस्टेक को कम कर सकते हो। सो ट्राई टू मिनिमाइज द सिली मिस्टेक्स, नॉट ओवरकम कम्प्लीटली। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर आपने मेहनत की है तो डरने की बात नहीं, ये तो एंड की बात हो गई, बट उसने बोला है तो मुझे स्पेशल पॉइंट लगा जो मुझे बोलना चाहिए आपको। अगर आपने मेहनत की, जो बिल्कुल सच है, अगर आपने मेहनत की है तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं घबराया था, मेरा एग्जाम खराब हुआ था जब मैंने अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया था, बट फोर्थ अटैम्प्ट में मैं चिल रहा, बिल्कुल आसानी से पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई की और एग्जाम चिल करके दिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे उसकी बातों पे लगी वो ये है कि एग्जाम से पहले वाली रात अच्छे से सो, चिल करके अगली रात जगो, क्योंकि स्कोर अच्छा किया है, आपने स्कोर अच्छा किया है तो अगली रात जग के अपना इंजॉय करो, उसमें कोई गलत नहीं है, राइट? होपफुली आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है, अभी तक कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। कोर्स कोई भी हो, सारे अच्छे होते हैं, टीचर्स भी सारे अच्छे होते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो नीट उड़ान जो है उसमें वॉरियर बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, लिंक जिसका मैंने नीचे दे दिया है। आपकी क्लासेज जो हैं वो मॉर्निंग एंड इवनिंग डिपेंडिंग अपॉन द स्केड्यूल कम्प्लीटली ऑनलाइन होंगी। सिलेबस आपका मार्च 22 तक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो भी आपके 5 times मोर रिवीजन, यानी कि 5 बार रिवीजन करके आपकी क्लासेज जो है वो की जाएंगी, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सके। UITS जो होगी आपकी उड़ान की टेस्ट सीरीज होगी, जो मैंने पर्सनली भी ज्वाइन की थी, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपका सेक्शन ए एंड बी की हार्ड कोर प्रैक्टिस होगी, जिसके कारण आपके जो कंसेप्ट जो हैं वो मोर क्रिस्टल क्लियर होंगे, लाइक आपकी शेप में आएंगे, आपके अब्जॉर्ब होंगे माइंड के अंदर। टीचर्स जो हैं आपको डॉक्टर लोग पढ़ाएंगे, वेल फैकल्टी होगी, कोटा की बेस्ट फैकल्टी जो है आपका, जो आपका टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर करवाने में हेल्प करेगी। मेडिफ्लिक्स आपका एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर का एक फॉर्मेट है, जिसमें आप जो है वीडियो जो हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर नहीं हैं और आपको टॉपिक एडवांस में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली उन वीडियोज़ के थ्रू, शॉर्ट रिविजन जो आपका फॉर्मेट है। और अगर आपको वीडियोज ऑलरेडी, अगर आपको कोई टॉपिक जो है ऑलरेडी आता है, बस एक रिविजन की ज़रूरत है, तो फिर आप जल्दी से आप उस वीडियोस को देख के अपना रिवीजन जो है कंप्लीट कर सकते हैं, राइट?
एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर उसकी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे भी बूस्टअप मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेशन स्टोरी टिप्स एंड ट्रिक्स को समझा के आपका नीट जो है अच्छे से अच्छे क्रैक करवाने की कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार की वजह से अपन 30,000 लोग जो हैं, उससे भी ज़्यादा 30,500 31,000 लोग जो एक प्लेटफॉर्म पर जो है इकट्ठे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशन स्टोरी के साथ या फिर इंस्पिरेशन के साथ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, लाइक मेरी कुछ पर्सनल सजेशंस फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या थी, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, और बायोलॉजी की कैसे 360 आउट ऑफ 360 मैंने स्कोर किया था, फिर अदर वीडियोस, टेलीग्राम के लिंक्स, इंस्टाग्राम के लिंक्स जो है मैं नीचे प्रोवाइड करवा दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।